हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम पार्ट टू करने वाले हैं ऑर्गन सिस्टम ईवीएस क्लास फिफ्थ ऑफ अ लीड स्कूल। तो लेट्स स्टार्ट। टेक आउट योर SR3। नाउ रीड द फर्स्ट पैराग्राफ पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। The skeleton system is made of bones and joints. Some of the main bones of the skeleton system are skull, backbone, ribcage, limbs, shoulder and hip girdle. मतलब हमारी जो skeleton system है वो bones and joints से बनी हुई है. Okay, वो bones and joints से बनी हुई है. और some मतलब हम अब कुछ मेन देखेंगे स्केलेटन सिस्टम के, कुछ मेन बोन्स देखेंगे. स्कल, बैकबोन, रिबकेज, लिम्स, शोल्डर एंड हिप ग्रिडल. लेट्स वेल नो स्टडी दिस मेन बोन्स इन सम डिटेल्स. तो अब हम इन कुछ मेन बोन्स की सम मतलब थोड़ी डिटेल में स्टडी करते हैं. ओके, स्कल. अब हम स्कल करते हैं. द बोन स्ट्रक्चर ऑफ अवर हेड इज नोन एज द स्कल. हमारी जो बोन है जो सर को मतलब स्ट्रक्चर देती है उसका नाम ही स्कल है. द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स. स्टूडेंट्स प्लीज टेक आउट योर नोटबुक एंड राइट डाउन कि हमारे स्कल्स में जो है 22 बोन्स है. ये क्वेश्चन आपके मतलब पेपर्स में एग्जाम्स में बिल्कुल आएगा. तो अब यूज ऑफ स्कल देखेंगे. 8 बोन्स प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड द रिमाइंडर 14 बोन्स मेक अप द फेस. ओनली द लोअर जार बोन एज नोन एज द मैंडिबल. ओके, द मूवेबल वी eat food and take using the mandible. तो अब हम use of मतलब skeleton system देखेंगे, use of a skull देखेंगे, हम समझेंगे. एक जो bones है वो हमारे brain को protect करती है और बाकी के 14 bones हमारे shape को बनाती है. और lower jar जो होता है मतलब जिससे हम खाना खाते हैं बोलते हैं, देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, लोअर जार जो है वो उसको मैंडिबल कहते हैं, जो मूवेबल होता है. सिब वो मूवेबल बोन होती है जो हिल सकती है. ओके, तो वो हिल सकती है, मूवेबल बोन. अब हम बैकबोन देखेंगे. टेक आउट योर बैकबोन सेक्शन. देयर इज बैकबोन. गाइस आपकी स्क्रीन पर दिखेगा बैकबोन की तस्वीर, देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर है बैकबोन. अब हम पढ़ेंगे बैकबोन. बैकबोन, द बैकबोन आल्सो नोन एज द स्पाइन इज फाउंड इन द मिडल ऑफ आवर बैक. इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रा. ओके, आपकी नोटबुक निकालिए और हार्ड वर्क पहले आप एक काम कीजिए, नोट डाउन कीजिए, नोट लिखिए हाँ टाइटल में, फिर लिखिए 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रेट. ओके, वर्टेब्रेट. ओके, तो अब देखिए आपको मैंने समझा दिया, मतलब समझा देता हूँ अब. द बैकबोन ऑल्सो नोन एज अ स्पाइन. ओके, बैकबोन जो है उसको हम स्पाइन भी कहते हैं. वो हमारी पीठ के मिडिल में होती है. तो और बैकबोन जो है छोटे छोटे 33 बोन्स से बनी होती है. व्यू नोट्स में लिखिए, नोट लिखिए और उसके बाद लिखिए बैकबोन मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रेट. ओके, तो अब इधर दे फॉर्म अ कॉलम कॉल्ड वर्टेब्रेट. द
कॉलम दिस वर्टिब्रल कॉलम आर बैकबोन. तो स्टूडेंट्स आपके जो स्क्रीन पर दिख रहा है स्क्रीन सेट करो आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो एक पाइप जैसा, तो वो है बैकबोन. ओके, जिसमें आपको कॉलम्स दिख रहे हैं ना, उस कॉलम्स को हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम. ओके, दिस वर्टिब्रल कॉलम आर बैकबोन कनेक्टर अवर अपर बॉडी टू द लोअर बॉडी. ये जो वर्टिब्रल कॉलम्स है जो अपर बॉडी से, आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, वो अपर बॉडी से लोअर बॉडी तक वो रहता है. अपर बॉडी की स्टार्टिंग किधर से होती है, हेड से होती है, और एंडिंग की मतलब लोअर बॉडी की स्टार्टिंग किधर से होती है, वो मतलब किमर लेग से होती है, लेग्स के स्टार्टिंग से होती है. तो देखिए यूज करते हैं ऑफ यूज ऑफ बैकबोन. यूज द बैकबोन सपोर्ट अवर The backbone support our entry body and hands in a very important set of bones inside the vertebrae and hold and the spinal cord passed through them. When learn about the spinal cord later in the unit. अब जो देखिए यूज क्या है, जो बैकबोन है वो स्ट्रक्चर भी देती है और वो इम्पोर्टेंट सेट है, वो इम्पोर्टेंट सेट है वर्टिब्रे का. तो स्पाइनल कॉर्ड हम अब नेक्स्ट मतलब आगे देखेंगे यूनिट के. गाइस तो टेक आउट योर एसआर फोर. आई एम गिविंग टाइम. तो गाइस आपके एसआर फोर आपके सामने. तो रिबकेज, हम अब रिबकेज सीखेंगे. द रिबकेज इज अ केज लाइक स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम बिलो द शोल्डर एंड एंडिंग एट द वेस्ट. इट इज फॉर मेड बाय 12 पियर ऑफ बोन्स कॉल्ड रिम्स. हमारा जो रिबकेज है वो स्केज लाइक स्ट्रक्चर है, वो स्टार्ट होता है हमारी शोल्डर से और ख़त्म होता है वेस्ट तक, वो है 12 पियर्स बोन्स कॉल्ड रिम्स, जिसको रिम्स बोलते हैं. ओके, द रिम्स आर अटैच टू द stream in the form front and to the backbone at the back. The last two pairs of rims are attached on to the backbone and not to the stream. ओके, तो स्ट्रीम्स जो होते हैं वो मतलब रिम्स जो होते हैं वो स्ट्रीम्स से सारे रिम्स स्ट्रीम्स से अटैच होते हैं. ओके, बट लास्ट के टू जो रिम्स होते हैं वो बैकबोन से अटैच होते हैं. ओके, अब इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिम्स. यूज ऑफ रिम्स. द रिबकेज प्रोटेक्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन लाइक हार्ट एंड लंग्स एंड द ब्लड वेसल्स आर वेल. रिबकेज जो है इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी में. ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही. तो स्टूडेंट्स नाउ एंडिंग ऑफ लेक्चर, मतलब अब ये क्लास एंड हो चुका है. तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही. आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल दबाइए, क्योंकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त आती रहे. और हमारी चैनल मतलब वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना एजुकेशनल वीडियो. तो गाइस बाय बाय विथ स्टडी विथ भूपेन जय.